सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है औरत का फातिमी रूप मेरा जिस्म मेरी मर्जी बाय सीरत फातिमा जहरा अल मवैज चैनल है जहाँ की ये वीडियो है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि सीरत फातिमा जहरा जो है उन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि औरत का फातिमी रूप क्या होता है और इसमें ऐसा क्यों मेंशन किया गया है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको कि इसमें क्या चीज मेंशन की गई है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तागूती फेमिनिस्टिक बहरूप जिसको आजकल बहुत ज्यादा उजागर किया जा रहा है मीडिया में, आपको आप देख रहे हैं कितनी हॉट डिस्कशंस होती हैं, वो क्या हैं? क्योंकि जब हम बीबी फातिमा के रूप की बात करते हैं, फातिमी रूप की बात करते हैं, तो उसकी भी क्वालिटीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूंगी वेरी क्विकली। और जो बहरूप है वो क्या है? बहरूप ये है कि आप जिस्म की नमूदो नुमाइश करते हैं, अपने जिस्म को दिखाते हैं टू अट्रैक्ट पीपल, टू अट्रैक्ट मैन, मेरी तरफ देखें। क्या है ये? ईगो, मुझे देखा जाए, मुझे सराहा जाए, मुझे पसंद किया जाए, मेरे बालों की, मेरे आँखों की, मेरी हर चीज़ की तारीफ की जाए। फिर क्या है? हट धर्मी। ये देखें बड़ा जरूरी है, जब हम जिक्र अहले बैत करते हैं, जब हम हुसैनी अफकार की बात करते हैं, तो बेहद जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हम किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। वो यजीदी आप जानते हैं ना, इमाम हुसैन और यजीद, जब हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कयाम तभी होगा, चाहे किसी भी दौर में हो, जब आपको पता होगा कि अगेंस्ट क्या था, यजीदी क्या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स थे, वो जानना। हट धर्मी। आज कोई बच्ची घर में हट धर्मी कर रही हो, माँ की बात ना मान रही हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? अच्छी बच्ची तो नहीं कहते। जो बच्चियाँ आजिज होती हैं, जो अपनी माँ का कहना मानते हैं, माँ कहती है, सारी बच्चियाँ माओं की होती हैं, मगर जो एहसास कर रही होती है, जो प्यार से बात सुन रही होती है, उसे कहते हैं ये प्यारी बच्ची है मेरी, ये मेरा एहसास करने वाली है। फिर क्या है बहरूप फेमिनिस्टिक? बदमिजाजी। कभी आप ये सोच सकते हैं, अब हम बीबी फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने जहन में लाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट, आजिजी, प्यार, यही नजर आता है ना। फिर करख्तगी फेमिनिस्टिक बहरूप। फिर बगावत रिबेलियस एटीट्यूड। सारी दुनिया ये कर रही है, हिजाब करने का कह रही हूं, नहीं करेंगे हम, हमें टीवी देखने से मना करें, नहीं करेंगे हम, ये है फेमिनिस्टिक बहरूप। फिर ईगो, एरोगेंस, रिबेलियस एटीट्यूड, बद तहजीबी। बच्चों कहते हैं कि माओ को देखो, जिस वक्त शादी करते हो तो माओ को देखो कि कितनी तहजीब वाली है। खुद सरी, बद इखलाकी, बद किरदारी, खुद परस्ती, मुकाबला बाजी, ये सब कुछ क्या है? और ये क्या है नारा? जब ये तमाम चीजें आती हैं फिर आप क्या कहते हो? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा पता है किसका है? ये आज का नारा नहीं है, ये नारा है उम्मे जमील का, ये नारा है उस और उन तमाम औरतों का जो आज से 1400 साल पहले और उससे भी बहुत अरसा पहले जो अपनी मर्जियां करती थी, जो अपनी ख्वाहिशात की वजह से अपने हस्बैंड्स को उकसाती थी, ऐसा करो वैसा करो। उम्मे जबील अबू लहब की बीवी थी, जिसके बारे में कुरान में जो आयत आई, जो सूरत आई, उसके हवाले से कुछ अल्फाज जो अल्लाह का बयान है, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया, ना तो उसका माल उसके काम आया। फेमिनिस्टिक बहरूप जिन्होंने अपनाया है, जिनकी क्वालिटीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनका अंजाम क्या है? उनका अंजाम कुरान ने हमें बताया है। क्या अंजाम है? नो मैटर हाउ मच एजुकेशन यू हैव, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, जितना मर्जी बैंक बैलेंस है, कुछ काम नहीं आएगा। अल्लाह क्या फरमाता है? अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो खुद हलाक हो गया, ना तो उसका माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई, वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा। और उसकी बीवी फेमिनिस्टिक बहरूप, उसकी बीवी का क्या अंजाम होगा? जो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ढूंढने वाली है, यानी अपने सर पर ईंधन उठाए फिरती है,
आज की फेमिनिस्टिक औरत को देखें तो क्या है, आग सवार है। कभी चेहरे देखें आप उनके, करख्तगी नजर आएगी। ऐसे लगता है ईंधन अपने सरों पर बिठा के तो घूम रही हैं कि कोई आएगा तो उसको आग लगा देंगी, कोई कुछ कहेगा तो उसको कर देंगी। और फिर क्या है उसका अंजाम? उसका अंजाम ये है कि उसके गले में मूंछ की रस्सी होगी। ये है अंजाम। बच्चों, मेरी तमाम बेटियां, मुअज्जिज मेहमानाने गिरामी, कुरान हकीम ना दो शजरों का तस्करा करता है कुरान में, शजरा तैयबा और शजरा खबीसा। ये जो फेमिनिस्टिक बहरूप है ये चलता आ रहा है शजराए खबीसा से। सो टुडे, आज हमने ये जानना है कि हमने किस चीज को अपनाना है, क्योंकि अंजाम तो हमारे सामने फेमिनिस्टिक बहरूप का आ गया। क्या है जिल्लत, क्या है रुसवाई इस दुनिया में भी? जब आप हर चीज की जिम्मेदारी कहते हैं हम ही करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो फिर जो मर्द जिम्मेदारी उठाना भी चाहते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने खुद करना है तो करें, तो वो भी आपको डबल डबल काम करने पड़ते हैं। और वो भी औरतें क्या मर्दों के बगैर बच्चे पैदा कर सकती हैं? सो दीज आर द थिंग्स जो हमें सोचने की जरूरत है। तो नो डाउट वीडियो तो अच्छा है। एक्चुअली जो भी इस वीडियो में इन्होंने मेंशन किया है, जिनके ऊपर ज्यादा पाबंदी होती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए या वो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो आई गेस वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं या क्या है, बिकॉज कभी टू बी वेरी ऑनेस्ट पेरेंट्स, आप ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया कि मतलब जिसमें पेरेंट्स ने ये बोला हो कि ये मत करो या वो मत करो या यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, फ्रेंड्स के साथ मत जाओ। जब जहाँ जाना चाहा, जो करना चाहा, सब कुछ किया। मैंने पहले फैशन डिजाइनिंग करना था, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया कि मुझे MBA करना है। पापा ने बोला कि ठीक है MBA करना है, MBA कर लो। फिर मैंने MBA कर लिया, उसके बाद मुझे कॉरपोरेट में जाना था, वहाँ गई, जॉब स्टार्ट कर दिया और अभी भी कर रही हूँ। और मतलब और जो पहनना है, अगर कभी फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग पे भी जाना है तो वहाँ भी जाओ। और तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कहना पड़े कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हो, ये मेरी मर्जी है। हमें हमेशा मतलब जो चीज़ बोली वो मिल गई, इसलिए मम्मी पापा के बहुत अच्छे बच्चे भी रहे, क्योंकि कभी किसी चीज़ के लिए जिद ही नहीं करना पड़ा कि हम तो ऐसा करेंगे, आप चाहे जो मर्जी कहो। लेकिन आई गेस कि कई फैमिलीज में ऐसा होता है, आई थिंक स्पेशली जो आउटस्कर्ट एरियाज होते हैं, यहाँ पे लोग वेल एजुकेटेड नहीं हैं या आई डोंट नो कि कहाँ पर, बट आई गेस कि जो विलेज वगैरह या आउटस्कर्ट एरियाज हैं मेनली, हो सकता है वहाँ पर ये चीज़ अभी भी पेरेंट्स करते हो कि बच्चों को बोलते हो कि आपको ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उसमें बच्चे उनके अगेंस्ट जाते हो और फिर पेरेंट्स के साथ में आर्ग्यूमेंट की हो, ये सब नौबत भी आती हो। लेकिन हाँ, इस्लाम में ये ज़रूरी है कि मतलब आपको जैसे हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, तो इस्लाम में ज़रूर सब लड़कियों को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज उनका तो एक कहते हैं ना कि ये इस्लाम मजहब के साथ में ही जुड़ा हुआ है। कि जैसे सरदारों की अगर बात करते हैं तो हमारी जो टर्बन होती है वो हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर थाउजेंड्स ऑफ लोगों का वहाँ पे क्राउड भी है तो उसमें से वी इमिडिएटली कोई पहचान सकते हैं कि अच्छा ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बंदा। तो इन द सेम वे जो इस्लाम धर्म है उसमें जब लड़कियों ने बुर्का पहना होता है, हिजाब पहना होता है, या लड़कों ने वो जो टोपी लगाई होती है, उससे इमिडिएटली वी कैन मेक आउट कि ये बंदा इस्लाम से बिलोंग करता है। तो ये ज़रूर है आप जो मर्जी पहनो। इवन मैंने ये भी सुना है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है कि कपड़ों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है। ऑब्वियसली शॉर्ट्स वगैरह तो आप नहीं पहन सकते, बट आप जो भी मॉडर्न ड्रेसेस है उसको एक मॉडर्न वे में पहन सकते हो। बहुत टाइट नहीं हो जिससे आपका पूरा जिस्म रिफ्लेक्ट हो, ऐसा कपड़ा तो नहीं होना चाहिए। आपने अगर
ट्राउजर के साथ में शर्ट कैरी किया है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा लूज हो, ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी हगिंग कपड़ा है आपका, कि आपकी पूरी प्रॉपर शेप दिख रही है आपके जिस्म की। या फिर आपकी जो वन पीस ड्रेस अगर आप पहनते हो तो वन पीस ड्रेस में भी वो पूरी बॉडी कॉन ड्रेस है जिसमें आपकी पूरी बॉडी की शेप प्रॉपरली दिखती है, तो इस टाइप की ड्रेसेस अवॉइड करके थोड़ा सा उसको इन्हेंस करके या उसको थोड़ा सा मॉडेस्ट रूप में आप पहन सकते हो कि उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। बट ऊपर से हिजाब पहनना और बुर्का पहनना मैंडेटरी होता है व्हेन यू आर गोइंग आउट समवेयर। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली के साथ हो या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं अगर उनके साथ में हो तो उस टाइम पे आई गेस कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। बट ऑब्वियसली जिन लोगों के साथ में आपका रिश्ता जुड़ सकता है शादी के लिए उनको अवॉइड करना पड़ता है कि उनके सामने आपको कुछ ऐसी ड्रेसेस नहीं पहननी होती और आपको कवर करके रखना होता है ताकि किसी भी अननोन बंदे की आपके ऊपर गलत नजर ना पड़े। तो ये चीज़ ज़रूर है और इस चीज़ को मैं हमेशा बोलती हूँ, ऑल्दो कि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कुछ कपड़े पहनने में। जिस टाइप के जैसे कपड़े पहनो जो आपको अच्छे लगते हैं, ओब्वियसली कपड़ा अच्छा लगना चाहिए तभी पहनना चाहिए, ऐसा नहीं कि देखा देखी कुछ भी पहन लिया। बट साथ में आपको अपने जो मजहब है उसका ज़रूर आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज अगर मैरिज में भी देखें तो वैसे ऐसा नहीं है कि आप मैरिज में बुर्का पहन के घूम रहे हो, आपको घर से उस मैरिज हॉल तक जो भी हिजाब या बुर्का कैरी करते हो वो पहनना होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब आप उस पैलेस में या आपका जहाँ पर भी आपकी वेडिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई हो जगह पे जब आप पहुँच जाते हो, वहाँ जाके आप अपना बुर्का या हिजाब जो भी आपने कैरी किया हुआ है उसे आप उतार सकते हो और आपकी जो भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं आप वहाँ पे जो भी आपकी रिलेटिव्स हैं जो भी आपकी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो गैदर हुई हैं सारे उन सबको दिखा सकते हो कि देखो मैंने तो इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। बट घर से उस जगह तक पहुँचने के लिए पहुँचते टाइम आपको वो बुर्का पहनना पड़ता है। तो जब ये हमारे कुरान में लिखी गई हैं चीज़ें और ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपको ऐसा करना है, वो भी बेहतरी के लिए है, कुछ ऐसा नहीं कि किसी का गलत करना चाहते थे ऐसा है, तो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये हो गई कपड़ों की बात की कपड़े से पहनना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोगों को ये बोला जाता है कि ये आपका एरिया नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, एक आदमी को ही करना चाहिए। ऑल्दो आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में और आज के टाइम पे सब लड़कियां वेल एजुकेटेड हैं, वो भी चाहती हैं कि हम लोग इस दुनिया में अपना नाम बना सकें, मतलब लोग हमें पहचाने हमारे नाम से, हमारी कैपेबिलिटीज से कि हमारे में ये टैलेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे के लिए ही वो बाहर जाती हैं जॉब करने के लिए, दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि येस वी आर एजुकेटेड, वी आर टैलेंटेड एंड वी हैव दिस क्वालिटीज विच वी कैन शो टू द इंटायर वर्ल्ड एंड वी वॉन्ट टू प्रूव अवर सेल्फ कि हमारे में ये क्वालिटीज़ हैं, हमारे में ये टैलेंट है। तो आई गेस ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ऑल्दो इसके साथ में ये भी है कि आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करना चाहिए, कि अगर आपको ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि चलो ठीक है, अगर फैमिली ने आपको अलाउ भी कर दिया कि ठीक है अगर आपने मेडिकल लिया है एंड यू वांट टू बी अ डॉक्टर, और तो अगर वो डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन गए हैं, बट उस टाइम पे भी ऑब्वियसली आपको बहुत सारे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना होगा यहाँ पे आपको प्रोफेशनली, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप किसी एक प्रोफेशन में चले गए तो आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो बस लड़कियों से ही बात करूँगी, मैं लड़कों के साथ में कोई डील नहीं करूँगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बट अपनी लिमिट्स में हमेशा रहना चाहिए इंसान को, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो मतलब हिजाब नहीं पहनूंगी या मेरे ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं ये वो। तो ये थोड़ा सा तो मीन्स अपने मजहब को, जिस बंदे का मजहब जो कहता है और आप उस मजहब में पैदा हुए हो उसको फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो ज़रूर करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।